नमस्कार। घरेलू उपचार में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एक मंत्र दे रहा हूँ, जो कि आपके तो फायदा ही फायदा है, इसके अलावा पब्लिक सेवा धर्म करने का भी आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा मंत्र है जो कि किसी भी प्रकार का ऊपरी बाधा हो, डायन का बाधा हो, प्रेत का बाधा हो, टोने का बाधा हो, ये सभी काटने में यह मंत्र माहिर है। देखिए दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको स्नान ध्यान करके अमावस्या की रात्रि हो, ग्रहण हो, दीपावली हो, होली हो, इसमें सिद्ध कर सकते हैं। अगर ग्रहण काल में करना है तो ग्रहण जब कटित होने लगे तब आप नहा धो के बैठिए, सिद्ध करिए, क्योंकि यह मंत्र शांतिकरण है, रक्षाकरण है जी। तो ये जो शांतिकरण होता है, ये ग्रहण ते समय इसको सिद्ध करना आदमी चालू करता है। जो मंत्र लगाने वाली होती है, फंसाने वाली होती है, वो ग्रहण काल में ही, मतलब ग्रहण के स्टार्टिंग में ही उसको किया जाता है। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप सिद्ध करें, मात्र आपको 51 बार पढ़ना है। ये देहाती मंत्र है, ये किसी ग्रंथ और पुस्तक से नहीं लिया गया है। ये मैंने जो सिद्ध किया हूँ वो आपको दे रहा हूँ। तो 51 बार पूर्व दिशा में बैठ जाइए, कपड़ा किसी भी कलर का चलेगा, धूप चाहिए, धूप में जौ तिल घी मिला हुआ चाहिए, अग्नि बना लीजिएगा, एक पढ़िए एक हवन दीजिए, मतलब 51 बार पढ़ना है और 51 धूप देना है। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाने के बाद आप किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी दुष्ट प्रभाव का असर हो, आप उसे 7 बार 11 बार पढ़ के लौंग बना दीजिए और फूंक मार दीजिए। जल्दी काम करना है तो साफ सुथरा धो माज के किसी गिलास में पानी ले लीजिए और पानी को जो है मंत्र के द्वारा अभी अंतरित करें और इस मरीज को पिला दें, तत्काल राहत हो जाएगी। उसके बाद से आप लौंग बना के खिला सकते हैं, 2 लौंग को ऐसे करके सफ़ेद धागे में बांध के गले में भी पहना सकते हैं। तो ये रही मंत्र। तो चलिए अब मंत्र को आपको बताता हूँ, विधि तो आपको सब बता ही दिया, मंत्र भी हम आपको पढ़ देते हैं। काली काली महाकाली ब्रह्मा के बेटी इंद्र के साली, दोनों हाथ बजावे ताली, अवघर गुरु अवघर चेला, शेखर जादू फिर अकेला, अवघट घाट का तुमरी मरघट घाट का बांध, धाव धाव रे कसिया मसान, लहंगा पहने चोली पहने खिंचके बांधे चोटी, माह बाजार में जादू काटे तब बाप का बेटी, अपन गुण लगावे पर गुण के काट ले आवे, जाय काट का बोकला ताय काट बैठावे तब कसिया मसान कहलावे, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई सतगुरु का बंधु पार। ये रही मंत्र। ये बड़ी कलाकार ही मंत्र है जी। ऊपरी हवाओं के लिए, बधाओं के लिए, डाइनों की लगाई हुई नज़र गुजर के लिए बड़ी ही कलाकार है। तो चलिए वो मंत्र आपको दिखा देता हूँ, आप उसको रोक के स्क्रीन करके आप कलम से अपने नोटबुक पर लिख लेना जी, और भरपूर रिहर्सल, एकदम मुँह जबानी पढ़ने वाला याद हो जाए तभी इसको सिद्ध करना जी। पुस्तक से देख के मत सिद्ध करिएगा, ऐसा पढ़िएगा, ऐसा रिहर्सल करिएगा कि बस ऐसे जो है जैसे मैंने पढ़ दिया वैसे आपको पढ़ना है। दोस्तों ये देखिए, यह जो है जादू नजर टोना भूत से राहत के लिए, ठीक है, आप इसको देखिए, यही मंत्र है। ये देखिए थोड़ा लंबा में है, तो ये रही जो है आपका मंत्र।
तो दोस्तों यह मंत्र देहाती है, मैं भी किसी गुरु से इसको ग्रहण किया हूँ। यह मंत्र मैं बहुत पहले ही ग्रहण किया था, जब छठवीं क्लास में पढ़ रहा था तब। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए अति उत्तम है, आप अपना घर का भी बाधा भी दूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ दूसरे का भी भलाई कर देंगे। भलाई ही धर्म काज होता है। तो दोस्तों यह एक धर्म काज, अपना और दूसरे का भी भला करने के लिए अति उत्तम और गुणकारी है। तो दोस्तों आप कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें और दूसरे का भी हित के लिए थोड़ा ख्याल रखें। दूसरे का हित ही एक महान धर्म काज होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।